मेरा नाम विद्यासागर गुप्ता है। पिताजी आप लोग कचहरी के पास उतना भूक रहे हैं, क्यों भूक रहे हैं? मैं जनसंघ से जुड़ा हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी का एक अंग हूँ, लेकिन जो ये निर्णय हुआ है ये पूरे विधानसभा के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, हारने वाले का टिकट कन्फर्म और जीतने वाले का टिकट कट गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने विधानसभा चुनाव में माननीय साधना सिंह जी ने 87,500 और लोकसभा 2019 में उन्होंने 1,14,000 वोट दिलवाया। ये उनका पारितोषिक रहा, इसी वजह से क्या वजह मानते हैं? क्या वजह मानते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ यह स्वार्थ की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। पिता जी बताइए क्या मामला है, क्यों पुतला फूंक रहा है? लोकप्रिय जनप्रिय विधायिका का लटका के टिकट काटना चंदौली की जनता को आहत किया और जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। जीती जीता सीट पे हर यहाँ का षड्यंत्र रचते हुए ऐसे प्रत्याशी को जो टिकट दिया गया है जिसको कि विधानसभा की चौहत्ती तक पता नहीं है, न बूथ कार्यकर्ता का मालूम है, न बूथ एजेंट के बारे में मालूम है। परिभाषा नहीं मालूम, पूरा बताइए क्या लगता है, जो टिकट काटा गया है? टिकट काटा गया है कि पांडे जी को लगता था कि 2024 की दावेदार है साधना सिंह और साधना सिंह यहाँ इस बार विधानसभा जीत जाएंगे तो यहाँ स्थापित नेता हो जाएंगे। आई जातिवाद के चलते साधना सिंह यहाँ स्थापित हो जाएंगी तो अगले 2024 के लिए महेंद्र पांडे के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये अपना काटा साफ किए हैं और जातिवाद राजनीति को अपना दर्शा दिए हैं। हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे दिया जा रहा है और सदर विधानसभा के जीते हुए लोकप्रिय विधायक का टिकट काट दिया जा रहा है। ये आज बलिया में देख ही रहे हैं, ये चंदौली की भी पुनरावृत्ति हो गई है। हमें नहीं लगता है कि अब 4 विधानसभा में कोई सीट भाजपा के झोली में जाने वाली है।